जंगली खेतरां दे नाल लगदे पिंडां दे विच जंगली जानवर अक्सर ही दहशत मचांदे रहिंदे ने। अजिही ही एक खबर सामने आई है जिथे खेतां दे विच गन्ने घड़ रहे एक व्यक्ति दे उत्ते बाघ ने हमला कर दिता है अते उस नूं खेत दे अंदर घड़ीस के लै गया जिस दे कारण उस दी मौत हो गई है। लोकां ने जदों रौला पाया तां बाघ लाश नूं उत्थे ही सुट के जंगल वल दौड़ गया। सो आओ तुहानूं वी दसदे हां कि कित्थे वापरी है एक खौफनाक घटना। खेतों के गन्ने घड़न दे लई गए एक व्यक्ति के उत्ते बाघ ने हमला कर दिता जिस दे कारण उसकी मौके के उत्ते ही मौत हो गई। यह मामला उत्तराखंड के उधम सिंह नगर तो सामने आया है जिथों के पिंड ढाकी विखे एक मजदूर रमेश मंडल नाँ का व्यक्ति खेतों के गन्ने घड़ रहा है। इसे दौरान जंगल के एक बाघ आया अते उसने रमेश के उत्ते हमला कर दिता अते उसनू घसीट के गन्ने दे खेत दे विच लै गया। इस मगरों उत्थे मौजूद होरना लोकां ने रौला पा दिता जिस मगरों ओह रमेश दी लाश नू उत्थे ही छड़ के जंगल दे विच भज गया। लोकां ने इस खौफनाक घटना की जानकारी तुरंत वन विभाग के अधिकारियों नू दित्ती जिस तों बाद वन विभाग के अधिकारी मौके दे उत्ते पहुँच गए। हम लोग गन्ना छिलना था इस लाइन से और वो किनारे वाले पाटे में था तो गन्ना छिलते छिलते किनारे वाले पाटे में से वो गन्ना के अंदर से शेर आया उसको पंजा मारा और पंजा मार के ही ले गया गन्ने के अंदर। शेर ही था बड़ा वाला ही था। ग्रामीण यहाँ गन्ना चलाई कर रहे थे हमारे उत्तराखंड में यूपी का था और रानी कॉलोनी का तो गन्ना छील रहा था एकदम टाइगर अंदर से निकला अटैक किया और खींच के उसको अंदर ले गया था। फिर मौके पे हम लोग पहुँचे तो उसकी बॉडी को तो बचा लिया था टाइगर भाग गया था। वन विभाग वाले आए थे यहाँ पे कैमरे लग जाए कैमरे नहीं है हमारे यहाँ पे और थोड़ा ये आते जाते रहे ऐसी संयुक्त रूप पे ये बॉर्डर ही हमारा नाले के आसपास ही इसकी मूवमेंट रहती है यहाँ पे जरा कैमरे वैमरे लग जाए। उधर जदों इस संबंधी वन विभाग के अधिकारियों के नाल गलबात की गई तो वन खेतर अधिकारी महेश जोशी ने दस्या कि जिवें ही उन्होंने बाघ वल्लों हमला किए जाने की सूचना मिली तो वह तुरंत मौके के उत्ते पहुँच गए। उन्होंने दस्या कि इस खेतर के शांत माहौल होने करके जंगली जानवर अक्सर ही आते रहते हैं इस दे लई लोगों नूं पहला भी सुचेत किया जा चुका है। पहले भी हम लोग यहाँ पर आए हैं और अभी मैं जैसा मैंने आपको बताया 30 जनवरी के दिन भी एक किसी बच्चे पर हमला किया गया था उस समय भी हमारी टीम यहाँ आई थी और लगातार हमने ग्रामीण से संपर्क करके उन लोगों को जागरूक किया था कि जैसे ये इस समय का टाइम हो रहा है जो दिन छुपने का होता है या सुबह उठते समय का टाइम होता है उस समय जानवर जो है जो जंगली जानवर है हमारा वाइल्ड एनिमल है वो उसका मूवमेंट का टाइम यही होता है मेन रात्रि चला तो इसलिए जो है ऐसे टाइमों में आप लोग खेतों में न जाएँ और जिससे कि आप लोगों की जान माल की क्षति न हो। तुहानू दस दईए कि इस घटना तो बाद इलाके दे लोकां दे विच भारी दहशत का माहौल पाया जा रहा है अते लोक खेतां दे विच जान तो भी डरन लगे ने। उधम सिंह नगर तो महिंदरपाल सिंह दी रिपोर्ट हमदर्द टीवी।